हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छे से देखेंगे। अच्छा टॉपिक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है, यहाँ पर एक हुक याद कर लो आप, ठीक है ना। अगर ये याद होगा तो हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। आईजी आपने सुना होगा, आईजी डीआईजी जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। ओके आईजी, तो एक होता है सीएम, है ना, सीएम। ओके ऑब्वियस बात है। तो ये जो चार वर्ड है ये याद कर लो, ठीक है ना। आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। जी का मतलब होता है गाइडिंग, और सी का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग, और एम का मतलब होता है मोटिवेटिंग। अब एक एक करके समझो, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, लोगों को निर्देश देना, लोगों को बोलना कि भाई ये काम करना, ये इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस कि भाई ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए, हम कुछ नहीं कर सकते। मूवीज में देखते हो ना कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। गाइडिंग, गाइडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक सुपरवाइजर काम कर रहा है, ठीक है ना। एक सुपरवाइजर कौन होता है, सुपरवाइजर वो व्यक्ति है जिसके नीचे कुछ वर्कर दे दिए गए हैं कि भाई ये वर्कर काम कर रहे हैं, तुम इनके ऊपर ध्यान रखो। अब हाँ, अब क्या करेगा, ठीक है ना। उसको लगा कि कोई कोई नया एम्प्लॉय आया है, ठीक है ना, वो मशीन के ऊपर सही से काम नहीं कर रहा, अब ये नया नया है, तो उसको गाइड करेगा, बेटा देखो ऐसे नहीं करते, ये चीज ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। वो क्या करेगा, गाइड करेगा उनको, क्या करेगा, गाइड करेगा उनको, है ना, ठीक है ना। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है जब भी हम अपने आइडियाज, अपने फीलिंग, अपने फैक्ट्स जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेटिंग बोलते हैं, ठीक है, ओके। जैसे आगे चलते हैं, मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग आपने सुना होगा आजकल, ठीक है ना। मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब होता है लोग जो चाहते हैं, ठीक है ना, लाइफ में जो लोग चाहते हैं कि जी मुझे ये बनना है या मुझे ये करना लाइफ में, ठीक है ना, उनको इस तरीके से एक्साइट कर दो कि वो अपना टारगेट या अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल अचीव करने के लिए उनको एक्साइट कर दो, ठीक है ना, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट भर दो, ताकि वो अपने काम के प्रति उनके अंदर एक एक्साइटमेंट आ जाए, ठीक है ना, कि हाँ अब मैं कर दूंगा, हाँ, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। आई होप क्लियर होगा, आज के लिए इतना ही। ये था डायरेक्टिंग, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बहुत सारे स्टूडेंट जो वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ताकि हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिल सके, है ना, और हम लोग भी क्या हो सके, एक्साइट हो सके आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से काम करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।